एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आज देश का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आज बजट पेश करेंगे और इस दौरान देश की जनता को सरकार की ओर से बजट में कई अहम ऐलान किए जाने की उम्मीद है। कोरोना वायरस के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस बजट में कई अहम ऐलान किए जा सकते हैं। इस बजट में उम्मीद की जा रही है कि इसमें महामारी से पीड़ित आम आदमी को राहत दी जाएगी। अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की पटरी पर लाने की शुरुआत होगा। उनका यह भी कहना है कि इस बजट को महज बही खाते या लेखा जोखा या पुरानी योजनाओं को नए कलेवर में पेश करने से अलग हटकर होना चाहिए। सुबह 11 बजे बजट भाषण शुरू करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 9:30 बजे अपने आवास से निकलेंगी संसद के लिए। सुबह 10 बजे संसद पहुंचेंगी। सुबह 11 बजे बजट भाषण शुरू होगा। बहुत महत्वपूर्ण ये देखना कि वर्स्ट ईयर जो पिछले 40 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का रहा, इससे बाहर निकलने के लिए, इससे उबरने के लिए सरकार क्या देने वाली है, सरकार क्या करने वाली है इस बजट में। सुबह 9 बजे वो निकलेंगी और राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी चीजों पर जोर रह सकता है इस बजट में। इसके बाद हम आपको बताएं संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होगी और फिर सुबह 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण पेश करना शुरू करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। अविनाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं और आज जो दिन भर की महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं, जो संकेत उनके पास हैं इस बजट को लेकर, वो सब उनसे जानते समझते हैं। अविनाश, सुप्रभात। आज का जो सुप्रभात है वो कई लोगों के लिए शुभ प्रभात होने की अपेक्षा लेकर आया है। उनके मन में ऐसी अपेक्षाएं हैं कि बहुत शुभ होगा आज और वो सब कुछ ऐसे होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के पटल पर बजट रखेंगी, बजट भाषण देंगी। क्या रहेगा आज का कार्यक्रम, हाइलाइट्स क्या रहेंगी और संकेत क्या मिल रहे हैं आपको इस बजट के बारे में? राजेंद्र, सुप्रभात। और तमाम सारे दर्शक भी यही चाहते हैं कि आज उनका दिन शुभ हो, जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला बजट पेश करने के लिए आए तो न सिर्फ आम लोगों को रियायत दे बल्कि उद्योगपतियों को भी कई सारे रियायत मिले, इसको लेकर कई लोग आशान्वित भी हैं। अगर वहीं बात करें तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगे तो उनकी निगाहें खासतौर पर MSME सेक्टर पर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना संकट काल में कई लोगों की नौकरियां गई हैं और कई लोग बेरोजगार हुए, ऐसे में रोजगार को बढ़ाने के लिए MSME सेक्टर पर उनकी ज़्यादा निगाहें रहेगी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो टैक्स पे तमाम सारे लोग रियायत चाहते हैं, इस पर भी कई लोग आशान्वित हैं कि वित्त मंत्री इस बार टैक्स पे रियायत देंगे। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार कई सारे प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में लगा रही है और वहां पे नजरें इनायत है उसकी, तो ऐसे में आज बजट का अवलोकन हो सकता है। खासतौर से अगर बात करें तो जो नई दिल्ली से वाराणसी तक बुलेट ट्रेन चल रही है और जिसका अगर बात करें तो लगातार सर्वे चल रहा है, उसको लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट का अवलोकन कर सकती है। इसके अलावा हल्दिया से वाराणसी तक जो हम बात करें, अगर जल रूट की जो बात हो रही है जिसमें खासतौर से जो शिप चलाने की बात है उस पर भी केंद्र सरकार की ओर से कुछ घोषणा हो सकती है। इसके अलावा जिस तरीके से मनरेगा का कार्य है और प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो ऐसे में उम्मीद है कि आज ज़्यादा धन का आवंटन उत्तर प्रदेश के लिए किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा नज़र रहेगी, क्योंकि 2020 में जिस तरीके से कोरोना महामारी रही है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार निवेश केंद्र सरकार करती रही है, और यही है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो भी संभव होगा वो किया जाएगा, इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ज्यादा बात होगी। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा राजेंद्र आज का बजट कि किस तरीके से कोरोना संकट काल के बाद केंद्र सरकार तमाम लोगों को रियायत देती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कोरोना काल के बाद बहुत सारी रियायतों की उम्मीद है लोगों को। लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, खासकर निम्न मध्यम वर्ग की और जो गरीब तबका है उसकी, जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में, इसीलिए वो ज्यादा सरकार से अपेक्षाएं रखे हुए। लेकिन एक वर्ग है अविनाश जिसकी चर्चा के बगैर हमारी बात अधूरी रहेगी और वो है कृषि क्षेत्र और किसानों का वर्ग। चूंकि आंदोलन चल रहा है इसलिए जाहिर सी बात है बहुत सारे विश्लेषक, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इस बजट में उनके लिए बहुत खास हो सकता है, अभूतपूर्व हो सकता है, ऐतिहासिक कुछ हो सकता है। ऐसा है क्या?
जी बिल्कुल राजेंद्र, और सबकी निगाहें इसी पर टिकेगी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा है, लोग तीनों नए कृषि कानून से नाराज हैं। इसको लेकर किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है आज के बजट में। खासतौर से अगर बात करें तो सिंचाई परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस पर बल दे रहे हैं कि हर खेत तक पानी पहुँचे और हर घर तक जल से नल पहुँचे। तो जाहिर तौर से बात है कि उसी तरीके से प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको केंद्रीय वित्त मंत्री आज अमली जामा पहना सकती है और किसानों के लिए खास रियायत दे सकती है। चाहे अगर वो बात करें तो सिंचाई योजना में हो, चाहे वो बात करें अगर जो तमाम सारे किसान भाई खाता में जो लोन मिलता है, क्रेडिट कार्ड जो मिलता है उस पर भी रियायत दे सकती है, और इसके साथ साथ जो तमाम सारे अन्य किसानी उपकरण है इस पर भी छूट का ऐलान कर सकती है। तो निगाहें टिकी है किसानों की भी और तमाम लोगों की, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर किसान कानून को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, ऐसे में किसानों के लिए आज केंद्र सरकार कुछ बड़ी ऐलान कर सकती है। ठीक है अविनाश, कृषि क्षेत्र हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या हो सकता है, ये भी वो क्षेत्र है जिस पे बहुत सारी चर्चाएं हैं, लोगों की बहुत फोकस रह सकता है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत खास कुछ होने वाला है? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो हाईवे निर्माण की बात हो या फिर अगर बात करें नए संसद भवन के निर्माण से लेकर तमाम सारे जो कई सारी परियोजनाएं हैं उसके निर्माण की वो लगातार बात करते रहे हैं। और जिस तरीके से अगर बात करें तो रियल एस्टेट के जो बिजनेस है इस समय काफी मंदी चल रही है उसमें, ठीक है अविनाश, उनको भी रियायत दी जा सकती है, अविनाश उसमें मूलभूत सुविधाएं लगती है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे पास कुछ तस्वीरें आ रही है अविनाश, इस वक्त वो दिखा देते हैं दर्शकों को। नॉर्थ ब्लॉक जहाँ पर वित्त मंत्रालय है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, वहां से तस्वीरें हमें मिल रही है। वित्त मंत्रालय की तस्वीर आप देख लीजिए, यही वो जगह है जहां पर बजट तैयार किया गया है तमाम विश्लेषण के बाद, अध्ययन के बाद। इस मंत्रालय की प्रमुख यानी वित्त मंत्री ही आज बजट प्रस्तुत करने वाली हैं। और जब से मोदी सरकार आई है बजट में कुछ खास जनता को मिला नहीं है। हर बार बजट को लेकर लोग बहुत उम्मीद करते हैं मगर हर बार लोगों को निराशा ही हाथ लगती है। एक तरफ किसान आंदोलन में पहले से बैठे हुए हैं और ऐसे में इनसे कुछ उम्मीद करना बेमानी ही लगता है। भारत सरकार बजट लेके आती है तो पूरे देश को उम्मीद होती है कि कुछ अच्छा आएगा, लेकिन मोदी सरकार के बजट अभी तक देश के लोगों को खुश नहीं कर पाए। ये देश के हित में कुछ नहीं हुआ, नया कुछ नहीं बना है, नई कोई चीज नहीं आई है। जब से मोदी सरकार बनी है तो कई चीजें हमारी बिक जरूर गई हैं, रेलवे बिक गया, हमारा BSNL बिक गया, एयरलाइंस बिक गए, और जिस देश में लगातार अन्नदाता धरने पर बैठा हो, सरकार कंपनियों के लिए काम कर रही हो, ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? कि जब भी भारत सरकार बजट लेके आती तो विपक्ष का जो कहना था हमने आपको सुनवाया। अब हम वापस अविनाश के पास चलेंगे। अविनाश, राष्ट्रपति के अभिभाषण का तो बहुत से विरोधी दलों ने बहिष्कार किया था, आज वो क्या करने वाले हैं बजट स्पीच के दौरान, इसके बारे में क्या संकेत हैं आपके आपके पास और क्या जानकारी आपको विपक्ष के नेताओं से मिल पाई है? देखिए अगर बात करें खास तौर से जो कांग्रेस के नेता और इसके अलावा आम आदमी पार्टी, उसने कहा है कि जब बजट चलेगा तो मांग करेगी किसान कानून वापस हो और इसके साथ साथ किसानों के हित के लिए कार्य किया जाए। तो यह महत्वपूर्ण रहेगा कि संसद के अंदर तमाम सारे विपक्षियों की उपस्थिति तो होगी लेकिन हंगामे के पूरे आसार है, क्योंकि जिस तरीके से तीनों नए कृषि कानून को लेकर विरोध चल रहा है उसके मद्देनजर कई सारे नेताओं ने यह कहा है कि वो अंदर संसद के इसका विरोध करेंगे और नए कानून को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को कहेंगे। वहीं अगर बात करें तो केंद्र सरकार भी आज किसानों को खुश करने के लिए कुछ बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि राजेंद्र अगर बात करें तो जब पिछले साल बजट पेश किया गया था तो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई 16 परियोजनाओं के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया था। अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार कुछ ज्यादा धन का आवंटन किया जाएगा कृषि क्षेत्र में, और खुद प्रधानमंत्री ने जब कल मन की बात की थी तो उसमें कृषि पर खास तौर से जोर दिया था और उन्होंने झांसी की एक लड़की जो स्ट्रॉबेरी की खेती करती है उसका भी खास तौर से जिक्र किया था। तो खेती को आधुनिक बनाने के लिए और खेती को व्यापार परक बनाने के लिए आज कुछ बड़ा ऐलान केंद्र सरकार कर सकती है जिससे कि किसानों को रियायत मिले। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपसे पूरे दिन आज अपडेट लेते रहेंगे, पूरे दिन आपसे बात होगी बजट को लेकर, बजट के डेवलपमेंट्स को लेकर।